हाथरस के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामबीर उपाध्याय की नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न, पत्नी सीमा उपाध्याय ने नामांकन की संभाली कमान। देखिए, भाजपा अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। उन्होंने इसीलिए माननीय उपाध्याय जी पे अपना भरोसा दिलाया जताया है कि वो आसपास की जितनी भी सीटें हैं उसमें उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पड़ भी रहा है। फिरोजाबाद हो, टूंडला हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, यहाँ तक सभी लोग, और यहाँ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ माननीय उपाध्याय जी ने काम किए हैं लोगों के बीच में रहकर, सादाबाद के अलावा को टिकट मिली है और पार्टी ने पूरा भरोसा उपाध्याय जी पे जताया है और उन्होंने ये टिकट दी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की सेवा की, गरीबों के घर तक अनाज पहुँचाया, उनको आवास दिए और आयुष्मान योजना में बहुत सारे जो हमारे दुखी थे, रोगी थे, उनके लिए पैसा स्वीकृत कराया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं अगर कहूंगी तो शाम हो जाएगी, लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय उपाध्याय जी को जो भरोसा दिलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, हम इस सीट को जीत करके आदरणीय मोदी जी और योगी जी के जोड़ी में डालेंगे। देखिए, उनका काम बोल रहा है, उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया, लोगों में अपनी जगह बनाई है, तो उसके लिए सभी लोग खुद ही उपाध्याय बन के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे कोई चुनौती नहीं है और जो भी चुनौती आएगी तो हम उसका सामना करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारी वही है, देश अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके भावना के अनुरूप काम करना और सभी के दिलों में हम हैं और हमेशा रहें, यही हमारा प्रयास है। टक्कर तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है चाहे हमारे आगे बसपा के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य और पार्टियों के, जिनके भी हमारे सपा और लोकदल का पैक्ट है, वो भी प्रत्याशी हमारे सामने हैं, लेकिन हमें हर समाज का आशीर्वाद, हर समाज का सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और जिस बूथ पर सारे कार्यकर्ता हमारे जुटे रहेंगे, हमें वोट दिलाने, एक एक वोट दिलाएंगे और पूरा सहयोग हमें देंगे, तो कोई ऐसी वो वजह नहीं है कि जिससे हम ये चुनाव हारे, हमें हर बूथ पर जीत मिलेगी। बड़ी जीत दर्ज करेगी सादाबाद से भाजपा। जी, जीत करेगी और सारे पार्टी के पदाधिकारी और बूथ तक के लेवल के हमारे कार्यकर्ता दिन रात जुटे हैं।